नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। 60 दिनों से ज्यादा से के लॉकडाउन के बाद आज यानी कि 1 जून से गृह मंत्रालय ने देश में अनलॉक 1.0 की शुरुआत कर दी है और उससे संबंधित जरूरी गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में संपूर्ण लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा। धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी सर्विस और शॉपिंग मॉल्स को 8 जून से खोलने की अनुमति मिल गई है, जबकि दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श करके स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, ट्रेनिंग और कोचिंग संस्थानों के खोले जाने पर फैसला लिया जाएगा। सभी साझेदार, इसमें बच्चों के माता पिता भी शामिल है, उनके साथ वार्तालाप करके जुलाई में इस पर फैसला लिया जाएगा। वहीं अनलॉक 1.0 के तीसरे चरण में कोरोना के संक्रमण स्थिति को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय उड़ान, मेट्रो सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क को खोलने पर फैसला लिया जाएगा। कोरोना के सबसे ज्यादा असर वाले 10 देशों में से 7 ने इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए टोटल लॉकडाउन लगाया था, लेकिन अब इन 7 देशों में भारत ही एकमात्र देश है जहां नए कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसका ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। बाकी 6 देशों ने हर दिन सामने आने वाले नए मामलों की संख्या में कमी की है, यानी कि वहां पर कमी अब देखी गई है। इस बीच भारत में अब विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा भी जाहिर किया है। ऐसे में लॉकडाउन को खोले जाने को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। देश में 8 जून से अनलॉक 1 की शुरुआत होगी। इस दौरान 1 से 7 जून तक ना तो लॉकडाउन रहेगा और ना ही अनलॉक। इस दौरान केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से व्यवस्था चलेगी। केंद्र ने 8 जून से छूट की अनुमति दी है। लॉकडाउन होने और अनलॉक 1 शुरू होने के बीच का वक्त एक तरह से बफर पीरियड है। अब राज्य कंटेनमेंट जोन के बाहर जनजीवन सामान्य करने के लिए आजाद है। राज्यों को ये ताकत दी गई है कि महामारी को रोकने के लिए वो कुछ गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं। अनलॉक 1 शुरू होने से पहले 1 से 7 जून के बीच कितनी छूट मिलेगी, ये राज्य की सरकार पर निर्भर करता है। मसलन महाराष्ट्र ने 3 चरणों में अनलॉकिंग का प्लान बनाया है। 3 जून से कुछ गतिविधियों की छूट है, फिर 5 जून को छूट थोड़ी बढ़ाई जाएगी। उसके बाद 8 जून से केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक छूट मिलेगी। इसी तरह दिल्ली में रात 9 से सुबह 5 बजे तक बाहर नहीं निकल सकेंगे। पहले रात 7 से लेकर सुबह 7 बजे तक निकलने पर रोक थी। उधर जम्मू कश्मीर ने बिना कोई राहत दिए 8 जून तक लॉकडाउन किया है, जबकि तेलंगाना ने 30 जून तक लॉकडाउन कर रखा है। हालांकि वो केंद्र से मिलने वाली छूट नागरिकों को देगा। कई राज्यों ने 1 से 7 जून के बीच ज्यादा राहत देने का फैसला नहीं किया है, मगर कंटेनमेंट जोन के बाहर ढील जरूर दी जा रही है। उत्तर प्रदेश ने केंद्र की गाइडलाइंस के हिसाब से छूट दी है, मगर दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर को बंद कर रखा है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर सील है, किसी को अंदर आने नहीं दिया जाएगा, जबकि ऐसा पहले भी था, लेकिन पहले आने जाने दे रहे थे, सैटरडे तक आने जाने दे रहे थे, तब भी बॉर्डर सील था। कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, कहा कि इधर से वापस चले जाओ, पास है, कंपनी का पास है, कुछ नहीं देखा भी नहीं इन्होंने तो कुछ, बस यहीं पे खड़े हैं सब लोग, भीड़ भाड़ करके सभी यहीं पे। अनलॉक 1 में कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, मेट्रो ट्रेन सेवा पहले की तरह बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान भी बंद रखे जाएंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, बार, ऑडिटोरियम पहले की तरह बंद रहेंगे, लेकिन शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स खोले जा सकेंगे। पार्क तो कई शहरों में भी खोल दिए गए हैं। हर कोई फिट रहना चाहता है अपनी अपनी जिंदगी में। देखिए, जैसे कि कोरोना वायरस, हम सबको पता है कि लंग्स पे कितना इफेक्ट करता है, तो ये जो पार्क खुला है तो सुबह जब हम लोग जाते हैं तो ये ऑब्वियसली आपके लंग्स को ही वो करता है, मतलब सर्कुलेट कराता है ऑक्सीजन इसमें। ये गवर्नमेंट का जी बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि इसमें 30-35% आदमी ऐसे थे जो कि बगैर टैले, बदहजमी, गैस की प्रॉब्लम और बहुत सारी उनको परेशानियाँ होती थी। अगर इसमें 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर बंदा टहलता है तो उसको काफी सारी योगा और उसमें काफी राहत मिली है। कोरोना के सबसे ज्यादा असर वाले 10 देशों में से 7 ने इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए टोटल लॉकडाउन लगाया था। इन 7 देशों में भारत ही ऐसा देश था जहां सबसे कम संक्रमित यानी 536 मरीज मिलने पर लॉकडाउन लगा दिया गया था। भारत सरकार के इस कदम की WHO ने भी तारीफ की थी, लेकिन अब इन 7 देशों में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां नए कोरोना संक्रमितों की संख्या का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। बाकी 6 देशों में हर दिन सामने आने वाले मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। इन 6 देशों ने कोरोना संक्रमण का फैलाव काफी हद तक रोक लिया है। इस बीच भारत में अब विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा भी जाहिर किया है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बने नेशनल टास्क फोर्स के विशेषज्ञों ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि भारत के कई जोन में अब कोरोना का सामुदायिक संक्रमण हो रहा है।
इसलिए यह मानना गलत होगा कि मौजूदा हाल में कोरोना पर काबू पाना संभव होगा। कोविड-19 पर गठित नेशनल टास्क फोर्स के सदस्यों ने कोरोना संक्रमण से निपटने में सरकार के रवैये की आलोचना भी की है। 25 मई को मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी 3 नामी संस्थाओं ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए अपनाए गए केंद्र के तौर तरीकों की आलोचना की है। प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखने वालों में स्वास्थ्य मंत्रालय के पूर्व सलाहकार, एम्स, बीएचयू, जेएनयू के पूर्व और मौजूदा प्रोफेसर शामिल है। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में डॉक्टर डीसीएस रेड्डी भी शामिल है। डॉक्टर रेड्डी कोरोना पर अध्ययन के लिए गठित कमेटी के प्रमुख है। इन पर में इन विशेषज्ञ कहा है कि नीतियों में समन्वय की कमी की कीमत को चुकानी पड़ रही है। पत्र में कहा गया है कि यदि इस महामारी की शुरुआत में ही जब संक्रमण की रफ्तार कम थी मजदूरों को घर जाने की अनुमति दे दी गई होती तो मौजूदा हालात से बचा जा सकता था। शहरों से लौट रहे मजदूर अब देश के कोने कोने में संक्रमण ले जा रहे हैं, इससे ग्रामीण और कस्बाई इलाके प्रभावित होंगे। ज्यादा स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उतनी मुकम्मल नहीं है। इस बयान में कहा गया है कि अगर भारत सरकार ने शुरुआत में संक्रमण विशेषज्ञों की राय ली होती तो हालात पर ज्यादा प्रभावी तरीके से काबू पाया जा सकता था। ऐसे में जहां एक ओर कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर देश को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू करना कितना उचित है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हां, तो देश में अनलॉक कितना जरूरी है और अभी क्या हम स्थिति में हैं कि अब देश को अनलॉक किया जाना चाहिए, ये यहाँ पर अहम सवाल उठ जाता है। हमारे साथ इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव जी हमारे साथ हैं जो कि कैंसर विशेषज्ञ हैं फोर्टिस अस्पताल में। बहुत स्वागत है डॉक्टर राहुल आपका। डॉक्टर डी आर राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व उपाध्यक्ष हैं IMA के। डॉक्टर डी आर राय जी बहुत स्वागत है आपका। आकाश जिंदल जी हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री हैं। आकाश जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर राहुल आपसे है, किस तरह से इसे देखा जाए, क्योंकि इस स्थिति में क्या हम हैं कि अब देश को अनलॉक किया जाए या फिर क्या ये हमारी मजबूरी है कि हम इस ओर आगे बढ़ रहे हैं? जी नमस्कार जी। सबसे ज्यादा जरूरी इस बात की है कि आज हमको ये समझना है कि हमारे नंबर बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। जैसे मैंने पिछली बार भी आपके चैनल के माध्यम से बोला था कि जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे वैसे सिचुएशन बढ़ेंगे और जो लोग पेशेंट वेंटिलेटर पे जाने वाले हैं वो भी बढ़ेंगे। अगर हमने अभी भी लॉकडाउन को री लॉकडाउन नहीं किया तो आगे जाके देखिएगा कि ये अमेरिका और इटली जैसी जो मार्च में हालत थी अमेरिका की और इटली की, वैसी वाली हालत हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए रिलीजियस प्लेसेस खोलने से क्या फायदा होगा, टीका जाने से क्या फायदा होगा? कोरोना वायरस में अभी चरम सीमा पे है और शायद चरम सीमा भी आई नहीं है। जब 8,000-9,000 केस रोज आ रहे हैं, आप ये बताइए नंबर बढ़ते जा रहे हैं, रिस्क्यू बढ़ती जा रही है, वहां पे हम कह रहे हैं कि लॉकडाउन खोल सकते, ऐसा क्या ही कौन, जब जान ही नहीं बचेगी तो जान कहां से आएगा ये बताइए। सिंपल बात यह है कि आपके नंबर 10-5,000 पहुंच गई, आपके पास डेटा नहीं है कि कितने लोग ठीक रहे और कितने लोगों को वेंटिलेटर की आवश्यकता है। महाराष्ट्र की सीएम कहती है 34,000 लोगों में से 24,000। चलिए राहुल जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की हम कोशिश करते हैं। रुक करते हैं डीआर राय जी का। डॉक्टर डीआर राय जी, सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि अभी अगर हम देखें तो हालात और जो स्थितियां ये बता रही है कि पिछले 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं कोरोना संक्रमित मरीजों के। ऐसे में क्या हमारे पास उतनी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं कि हम ये सोचें कि अगर आने वाले वक्त में मामले और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं तो सरकार और प्रशासन उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सक्षम है? जी आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। डॉक्टर होने के नाते मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये कहते हुए। जिस वक्त जो स्टेप्स लेने चाहिए वो स्टेप्स हम नहीं ले रहे और जिस वक्त नहीं लेने चाहिए उस वक्त आज हम ले रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि हमने अनलॉक नंबर 1 कर दिया, 1 से 8 तारीख तक लॉकडाउन रहेगा कंटेनमेंट एरिया के अंदर, उसके अंदर ये रहेगा और हम ये नहीं खोलेंगे, हम ये खोल देंगे और सारी इंटर स्टेट एक्टिविटीज मूवमेंट सब जगह अलाउड है और आज हमारे केजरीवाल साहब कहते हैं कि मेरा बॉर्डर पूरा का पूरा सील है। अरे कुछ जनता का भी सोचो जो पहले अपने पास लेके दिल्ली में आ रहे थे या दिल्ली से वो बाहर जा रहे थे नोएडा काम करने, आज अचानक वो लोग स्कूटर पे गाड़ी में बैठे और आप बॉर्डर को सील कर दी। सरकार कहती है कि बॉर्डर खुले हैं, हम कहते हैं कि बॉर्डर बंद है, एक चीज। दूसरी चीज देखिए, जिस वक्त हमारे जो जैसे डॉक्टर भार्गव भी कह रहे थे, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत करता हूँ कि जिस वक्त हमारे नंबर ऑफ केसेस की रफ्तार कम थी उस वक्त तो हमने और स्ट्रिक्ट ला दिया और आज हमारी रफ्तार 9,000 तक पहुंच गई है और हम उसके अंदर ढील दे रहे हैं। और ढील भी क्या दे रहे हैं, आप मंदिर मस्जिद को खोल रहे हैं, आप रेस्टोरेंट को खोल रहे हैं,
आप माल को खोल रहे हैं, सारी दुकानों को खोल रहे हैं, तो भाई आप काय को लोक अनलोक का नाम देना चाहते हो? लेट्स से कि एवरीबॉडी फ्री टू मूव वेयरएवर यू वांट टू डू इट, उससे क्या होगा आने वाले? देखिए, मैंने आज से एक हफ्ता पहले जब ये फोर्थ लॉकडाउन लगा था तो मैंने अपनी एक चिंता जाहिर की थी कि हमारे, जहां तक मुझे उम्मीद है, जैसे रफ्तार चल रही है, हमारे केसेस 2,31,000 तक पहुंच जाएंगे, तो 1,90,000 हो ही गए जी। अब जो 1,90,000 हो गए, उसके बाद आज मैं बता रहा हूँ, आज की तारीख में हिंदुस्तान का नाम, हिंदुस्तान का नंबर 7वां है वर्ल्ड के अंदर इन्फेक्शन के अंदर, और एक हफ्ते के अंदर आप देखना हम इटली को भी क्रॉस कर जाएंगे। जिस वक्त सामूहिक संक्रमण, जिसको हम कम्युनिटी इन्फेक्शन की बात करते हैं, वो चालू हो गई है, तो हम इस प्रकार की दे रहे हैं, सैलून खोल रहे हैं, स्पा बंद कर रहे हैं। अरे भाई, सैलून के आदमी के पास नाई की दुकान है, वो एक एक तीन तीन कुर्सियां लगा रखी हैं, एक एक घंटा उसको बाल काटने में लगता है, और आप एक घंटे के लिए तीन आदमी चार आदमी वहां बिठा रहे हो, जो करना है करो। ठीक है, यानी कि ये आप कहना चाह रहे हैं कि जो ये ढील दी जा रही है, जो अनलॉक किया जा रहा है भारत को, ये वाकई आगे खतरे को और ज्यादा बढ़ाता है। ठीक है, आकाश जी का रुख करते हैं। आकाश जी, सवाल इस बात को लेकर है, स्वास्थ्य के लिहाज से तो हमने समझ लिया है कि अगर ये अनलॉक करते हैं या किया जाता है, तो जाहिर तौर पर अब जो स्थिति है वो असामान्य हो सकती है, कंट्रोल से बाहर हो जाती है, लेकिन अर्थव्यवस्था के हिसाब से कितना जरूरी कदम था? देखिए, हमें एक बैलेंस मेंटेन करके चलना होगा। डॉक्टर्स की, दोनों की मैंने बात सुनी, एंड आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर मेडिकल कम्युनिटी, यही लोग हैं जिन्होंने हमें कोरोना से बचाया है, बट साथ ही साथ हमें कहीं बैलेंस मेंटेन करना होगा। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूँ जी। आज की तारीख में 24% हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है। ILO, UN की बॉडी है, वो कहती है 40 करोड़ इंडियन वर्कर्स को भी पुश्ड डीपर इनटू पॉवर्टी। RBI ये कह रहा है कि नेगेटिव GDP ग्रोथ हो सकती है। बार्कलेज की ऑर्गेनाइजेशन, मूडीज 0% GDP ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो आज की तारीख में हम इकोनॉमी को कहां ले जा रहे हैं, और इकोनॉमी से मेरा मतलब कोई बहुत बड़ी डेटा और फिगर्स की बात नहीं, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं। हमारे देश में सबसे इंपॉर्टेंट है वो आदमी जो डेली कमा के खाता है। अगर हम लॉकडाउन बढ़ाते जाएंगे तो उस आदमी को भोजन कहां से दे पाएंगे? पैसे का काम तो पैसे से होगा। तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए, समझते हुए, वी हैव टू कीप अ बैलेंस अप्रोच। बिल्कुल मैं मानता हूं कि कोरोना को हराना है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, लोगों को अवेयरनेस स्प्रेड करते हुए, लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म करते हुए, उनको इसके बारे में गाइड करते हुए, हमें कहीं ना कहीं इकोनॉमी को अनलॉक करना बहुत जरूरी है। इतनी देर इकोनॉमी को हम लॉक्ड रखेंगे, वी हैव टू कीप अ बैलेंस अप्रोच, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पर्सन आर बिलो पॉवर्टी लाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, डॉक्टर राहुल का एक बार मैं फिर से रुक करूंगी। डॉक्टर राहुल, सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी आकाश जी कर रहे थे कि रोज के कमाने, रोज के खाने वाले ऐसे बहुत लोग हैं जो कि रोज का कुआं खोदते हैं, रोज का पानी पीते हैं, और अगर उनके पास कमाने का साधन नहीं होगा तो आखिर वो क्या करेंगे, कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, ये एक बड़ा सवाल उनके सामने आ जाता है। लेकिन सर, सवाल इस बात को लेकर है कि वही शख्स अगर बीमार हो जाता है, और बीमार होने के साथ साथ ना सिर्फ खुद बीमार होता है बल्कि पूरे परिवार को बीमार कर देता है, तो क्या उसको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? और क्या अभी हम उस स्तर पर हैं कि अगर हालात और ज्यादा बेकाबू होते हैं और इस तरह की स्थिति आती है तो क्या हम उसको संभाल लेंगे? नेहा जी, अब आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं आकाश जी से पूछता हूँ, क्या सिनेमा खोलने से रोजगार बढ़ जाएगा, रेस्टोरेंट खोलने से रोजगार बढ़ जाएगा? दूसरी बात, तीसरी बात, जो आपके लेबरर वापिस चले गए जिनको इंडस्ट्री चलानी थी, वो तो है नहीं, इकोनॉमी कैसे खुलेगी? अब चौथी बात समझिए साहब के लिए, आप जब सब लोग कह रहे हैं कि खोल दिया, अगर ये गरीब मजदूर बीमार पड़ता है, आपके दिल्ली बॉम्बे के 100% सरकारी अस्पताल भरे हुए हैं, वो इलाज कहां लेगा? अगर वो सिक होता है, आज का डेटा कहता है कि 2.7% लोगों की मृत्यु होगी, 1,00,000 का 2%, 10,00,000 का 2%, 1,00,000 का 2%, और 100,00,000 का 2%, कितनी मौतें होंगी? क्या हमने पिछले लॉकडाउन में नहीं देखा जब शराब की दुकानें खोली कि हमारी मानसिकता क्या थी? क्या हमने पलायन के समय में 50 दिन के पलायन के बाद भी मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पाए? हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, क्या अर्थव्यवस्था लॉकडाउन से पहले बहुत अच्छी चल रही थी? आप अर्थशास्त्री लोगों ने एक प्रेशर बना बना के सरकार पे कि खोलिए खोलिए खोलिए,
ये हालत बना दी है कि आपको आने वाले दिनों में वेंटिलेटर के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। नंबर देखिए किस हिसाब से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और क्या रिलीजियस प्लेसेस खोलने से वो बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, सिनेमा हॉल खोलने से बढ़ेगा, रेस्टोरेंट खोलने से बढ़ेगा? कौन सी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? क्या आपके फैक्ट्रीज खुल गई? क्या एफडीआई बाहर से आ रहा है? लेबरर है नहीं आपके पास? तो ये अर्थशास्त्रियों की जो गणित है, मेडिकल पर्सनल को समझ में नहीं आती। मेडिकल पर्सनल को इस समय दिल्ली बॉम्बे में जो हालत है लोगों के साथ वो समझ में आती है। 8,000 लोग रोज संक्रमित हो रहे हैं, उसमें से 2% लोग मर जाएंगे। 10 लाख लोगों की स्टैटिस्टिक्स होती है। ठीक है डॉक्टर डी आर राय, सवाल इस बात को लेकर भी है कि जिस बात का जिक्र अभी राहुल जी कर रहे हैं कि जाहिर तौर पे ये आंकड़ा आगे बढ़ने वाला है, और इस बात का जिक्र करते हैं रणदीप गुलेरिया जो कि एम्स के निदेशक हैं, वो भी कहते हैं कि जून जुलाई में जो पीक पर होगा कोरोना, और ये वाकई उस वक्त चिंता का विषय होगा। लेकिन क्या आप सरकार इस बात को पकड़ के बैठ गई है कि जी मृत्यु दर तो कम है इसलिए चलिए आप खोल दीजिए, लोग बीमार पड़ेंगे उनको इलाज मिल जाएगा, वो ठीक हो जाएंगे, अपने घर वापस लौट पाए? क्या ये एक अहम विषय है, एक अहम बिंदु है जिसको लेकर अब सरकार चल रही है? देखिए जो किस विषय पे या किस मानसिकता के साथ चल रही है मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम डॉक्टर हैं, हम अपने मेडिकल फील्ड की बात करेंगे। ठीक है, इकोनॉमी देश के लिए इकोनॉमी की बहुत सख्त जरूरत होती है। मैं एग्री करता हूं भार्गव से कि उन्होंने जो बोला कि आपने मंदिर मस्जिद खोल दिए, कौन सा रोजगार है? हाँ, अगर मंदिर मस्जिद को बंद रखिए, होटलों को बंद रखिए, इंडस्ट्री को खोल दीजिए जहां से आपको प्रोडक्शन मिलेगा, लेबर को बुलाइए। आज मैं आपको कह सकता हूँ गारंटी से, लेबर जो चली गई है वो 1-2 महीने तक आने वाली नहीं है, क्योंकि हमने मनरेगा के अंदर उनको वहीं पर एम्प्लॉयमेंट दे दिया है। और बहुत अच्छा किया, मैं कहूंगा कम से कम वो भूखे नहीं मरेंगे, दे दिया, अच्छा किया। लेकिन अगर आप सोच रहे कि मेरी इंडस्ट्री यहाँ से सूरत के अंदर जो है इंडस्ट्री बंद होगी, लेबर पर यूपी से आ जाएगा या बिहार से आ जाएगा, दिल्ली के आसपास गाजियाबाद की जो इंडस्ट्री है उसका लेबर जाएगा, भाई साहब लेबर कहाँ से आएगा? उनको आज आप 200 ट्रेन दे रहे हो कि जाओ भाई अपने गांव जाओ, और इधर आप एक इंडस्ट्री खोल रहे हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है आकाश जी, सवाल इस बात को लेकर। जी 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 जी, दूसरी बात मौका दीजिए। आज जो स्थिति हमारी मुंबई की है और हमारे देश दिल्ली की है, बड़ी दयनीय स्थिति हो गई है। आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को ये रिक्वेस्ट करना पड़ा कि प्राइवेट हॉस्पिटल मुझे 20% बेड चाहिए कोरोना के लिए, लेकिन वो भूल गए एडवाइजरी को कि एक कोरोना कोविड पॉजिटिव एंड कोविड नेगेटिव पेशेंट एक ही वार्ड में नहीं रह सकते। और वो कह रहे भैया रखो मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे पास बेड नहीं है। अब बताइए स्थिति तो ये है सर, स्थिति तो ये है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों को लेने वाला कोई नहीं है, एम्बुलेंस तक नहीं आ पा रही है, ये स्थिति फिलहाल राजधानी दिल्ली की मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन आकाश जी सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र कर रहे थे अभी राय साहब, सर आएंगे आपके पास आएंगे। सवाल ये है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है सर, उसके लिए तमाम कोशिशें की जा रही है, तमाम छूट दे दी गई और अनलॉक कर दिया गया देश को, ठीक है सवाल ठीक है, लेकिन सवाल ये भी है कि मजदूर जो वापस चले गया सर, वो कैसे वापस आएगा? जिस बात का जिक्र अभी राय साहब कर रहे थे कि उनको कैसे वापस लाया जाएगा, और बिना उनके क्या वापस कारखाने खुलने, फैक्ट्रियां खुलने, या फिर और जो तमाम कामकाज होते हैं वो होना, क्या आपको लगता है कि मुमकिन है उनके बिना? देखिए सबसे पहली बात, मैं इस चीज को नहीं मानता कि मजदूर भाई हमारा वापस नहीं आएगा, तो बिल्कुल वापस आएगा। देखिए वो क्या क्यों गया था, वो इसलिए गया था कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कई जगह पे उसके लिए फूड अरेंज नहीं कर पाई थी, उसके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं थी, उसके लिए और फैसिलिटी नहीं थी, जिसके कारण वो मजबूरी में अपने गांव गया था, वो अपनी इच्छा से या खुशी से गांव नहीं गया था। सर वो कितनी मजबूरी में गया था, कितने किलोमीटर पैदल चलकर गया था, वो कैसे वापस आ जाएगा सर? जिस हालात से वो गुजरा है, वो आप और हम नहीं गुजरे, जिस हालात से वो गुजरा है ना, वो वापस क्या आएगा? आप मानसिक तौर पे अपने आप को तैयार कर पाएगा वापस आने के लिए? जी हेलो, जी 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 हाँ जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ, आप जो है मुझे बात रखने का मौका दीजिए तभी मेरे बोलने का मौका। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, रखिए बात रखिए, ठीक है, प्लीज डोंट इंटरप्ट व्हेन आई स्पीक। जी जी देखिए मैं वही कह रहा हूँ, वो मैं आपके साथ हूँ, वो मजबूरी में तकलीफ में वापस गया था,
वहाँ गांव में उसके लिए रोजगार नहीं है। गांव में रोजगार होता तो इन द फर्स्ट प्लेस ही वुडंट कम टू दिल्ली मुंबई। वो इसीलिए आया था क्योंकि गांव में खेती में और लोगों के लिए रोजगार नहीं है। पहले ही जितनी जमीन है वहाँ पे वो ऑलरेडी टेक केयर की जा रही है। तो जैसे ही उसे पता चलेगा कि इंडस्ट्री खुल रही है, उसे रोजगार मिल रहा है, तो वो वापस आएगा। ही हैज टू कम बैक। वो कितनी भी तकलीफ सहके गया है मानता हूँ, और वो दर्द जो है हमने देखा है। और मैं वो व्यक्ति हूँ जिस दिन हमारे मजदूर भाई 16-17 मजदूर भाई ट्रेन के नीचे आए थे, मैंने इतने शोक किए थे और दिल से मैं भी रो रहा था मजदूर भाइयों के साथ, ये क्या हो रहा है। तो वो दर्द हम सबने दिया है नेहा जी, मैं आपको बता दूं पूरा दिन मैंने वो दर्द दिया है। और मैं मानता हूँ कि हमारे मजदूर भाइयों के साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन गाँव जाके उसके लिए क्या रोजगार है। आप डॉक्टर साहब ने मनरेगा की बात की, मनरेगा का मुझसे बड़ा एक्सपर्ट मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में होगा। मनरेगा से इतने लोगों को रोजगार मिल ही नहीं सकता जितने लोग वापस गए हैं। मैं पूरी फैक्ट्स और डेटा लेके बैठता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो गांव गया है एज यू राइटली सेड नेहा जी, मजबूरी में, तकलीफ में, भूख में चलते, परेशान होके। लेकिन जब उसे वहां पे रोजगार नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली ही हैज टू ट्रेवल बैक। वो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा ना सर, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। सुनिए, जब उसकी फैक्ट्री, जब उसका कॉन्ट्रैक्टर उससे बात करेगा कि भाई साहब आपकी फैक्ट्री शुरू हो गई है, आपका कॉन्ट्रैक्ट वर्क शुरू हो गया, आपका काम शुरू हो गया है, आपके लिए रोजगार तैयार है, तो उनमें से मजदूर वो आना शुरू करेंगे। उसी तरीके से वो आएंगे और अपने रोजगार पे लगना चाहेंगे। वो आज की तारीख में गाँव में ठीक है, उसके परिवार के लोग हैं, उसके पुराने पड़ोसी हैं, लेकिन उसके लिए रोजगार वहां नहीं है। तो अल्टीमेटली रोजगार के लिए अगर उसे बुलाया जाएगा, ही हैज टू कम बैक, वो वापस आएगा। उसे अपने परिवार का पेट पालना है, ही हैज टू अर्न फॉर हिज फैमिली। दूसरी बात, डॉक्टर्स की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जो है, एंड आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर बोथ माई फ्रेंड्स। बट एक चीज इनको बता दूं, आज अगर हमने लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया तो हम देश को कहां से खिलाएंगे। देखिए बात मेरी अजीब लगेगी, लेकिन पैसे का काम तो पैसे से होगा। आज हमने अगर देश के अंदर अनाज भी हमारे गरीब भाई बहनों को देना है, उसके लिए पैसा कहाँ पे है, वेयर इज द मनी। आज डेफिसिट हमारा कितना हाई हो गया है। डॉक्टर साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बट मेरे हिसाब से मेडिकल फ्रटर्निटी को ये जानकारी नहीं होगी कि कितना हाई डेफिसिट हो गया है। इतने हाई डेफिसिट के साथ कंट्री आगे नहीं चल सकती, उधर भी मजबूरी है। डॉक्टर राहुल, ठीक है सर, ठीक है, फिर लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर राहुल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले अपनी बात रख दीजिए, उसके बाद मैं अपना सवाल पूछूंगा। नेहा जी, आकाश जी की तीन बातों की बात समझिए। एक, रुक के 8-8 हजार लोग पहुंच रहे हैं, क्या वहां पे परिवार आने देगा मजदूरों को कि आप आ जाइए। दूसरी चीज, जब अगर वो मजदूर आके बीमार पड़ जाता है तो क्या हमारे पास सेंट्रल स्कीम है जो उसके लिए फ्री में इलाज कर देगी। आपके पास तीसरी चीज क्या, इतने चलो फ्री दे भी दिया आपने, तो क्या आपके पास इतने बेड हैं जिससे आप सबका इलाज कर पाएंगे। तो नेहा जी, जिस नंबर से नंबर बढ़ेंगे, अगर मेरे पास 2 लाख बेड भी हैं किसी स्टेट में, वो ऐसी चुटकी भर पे भर जाएंगे। चौथी चीज, जहाँ पे सारे बेड मैंने कोविड से भर दिए, वहां कैंसर का पेशेंट कहाँ जाएगा। आप देखिए, कल साजिद वाजिद जी 40 साल की उम्र में किडनी डिसऑर्डर से मर गए, कितने किडनी, कितने कैंसर, वो लोग कहाँ जाएंगे। तो आपने सारे बेड तो भर दिए कोविड पेशेंटों से, बाकी का क्या होगा। तो अर्थशास्त्रियों को ये समझ में आ रहा है कि हम डेथ में हैं, हमारे में ये समझ में आ रहा है कि जान का रही। ठीक है डॉक्टर राहुल, सवाल ये भी है कि जिस तरह से सरकार ने कदम उठाए हैं, पहले सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक आप निकल सकते थे, उसके बाद निकलने की घर से इजाजत नहीं थी। अब जो इसका वक्त है वो बढ़ा दिया गया, यानी कि सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक आप घर से बाहर निकल सकते हैं, बाजार भी खुले रहेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है ये जो फैसला लिया गया, इससे कुछ फायदा होगा या कुछ बदलाव आएगा। दूसरी चीज ये भी है कि कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक कोई राहत नहीं होगी, यानी कि लॉकडाउन रहेगा। क्या लगता है कि ये कदम जो उठाया गया है वो सही है। नेहा जी, दोनों चीजों की आपकी बात है कि अगर 7 बजे तक रुकना था या 9 बजे तक रुकना था, ये सिर्फ सरकार के दिमाग में ये बात था कि लोग बहुत सारे झुंडों में ना निकले। मैं गुड़गांव की बात बता सकता हूँ आपको, लोगों ने एक दूसरे के घर जाना स्टार्ट कर दिया है। ये हमारी टिपिकल हालत अमेरिका जैसी हो रही है, जिसमें ट्रंप साहब कहते थे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और देखिए न्यूयॉर्क की हालत क्या हुई। यही सेम बिल्कुल स्थिति मार्च और अप्रैल की ट्रंप साहब की थी अमेरिका में। दूसरी चीज, दूसरे देशों की हम क्या बात करें, अगर राय साहब
हम भारत में ही तमाम राज्यों की बात करें, अब तो नॉर्थ ईस्ट में भी मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। एक वक्त था कि नॉर्थ ईस्ट में कोई मामले ही सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे भी अब कोरोना पेशेंट्स की जो रफ्तार है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। ये किस और हमारी चिंता बढ़ाती है? देखिए नेहा जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछ ली और बताया भी, अपने आप ही बता दिया क्यों। उसका सबसे बड़ा कारण हमारे ये प्रवासी मजदूर भाई हैं। अगर उनको हम प्रॉपर केयर करते, अपनी अपनी जहाँ पर बैठे हुए थे उनको नहीं जाने देते, उनको यहाँ से हिलने नहीं देते और उनको सारे के सांत्वना देते। देखो भाई, और मैं शुरू से कहता रहा कि आज शहर के अंदर तो साधन है, गांव में चले जाओगे तो वहां पे साधन भी नहीं है, लेकिन यहाँ से वो लोग पैदल भी निकल गए, छुप के निकल गए, ट्रकों में निकल गए, तो सारे संक्रामित थे, इन्फेक्टेड थे, उन लोगों ने औरों को इन्फेक्ट किया। अब गांव में जाके क्या हालत करेंगे? नॉर्थ ईस्ट बात कर रही है, हर जगह से मिल रहा है। आप मुंबई की हालत, हरियाणा की हालत देख लीजिए क्या हो रही है। वो इस प्रकार से इतने पूरे हिंदुस्तान के आधे आधे केसेस जो ना पूरे धारावी के अंदर, मुंबई के अंदर आ रहे हैं। टेस्ट रेट वहां पे बहुत ज्यादा हो रहा है। सबसे बड़ा कारण है कि वो जो स्लम है जिसकी तरफ सरकार का आज तक ध्यान नहीं गया, आज 70-50 साल से मैं भी देख रहा हूँ उसके स्लम को, कम से कम उसको जरा संभालने की कोशिश की जाती, उनको डिस्पर्स किया जाता, कभी ना कभी हर वक्त बीमारी आती रहती है। लेकिन जब कहते हैं आग लगने पर कुआं खोदोगे तो क्या होगा, ना कुआं मिलेगा आपको ना पानी मिलेगा। तो ये जो सवाल आ रहा है कि नहीं, ये हालात वाकई आपने बहुत सही सवाल उठाया है कि हालात इसलिए ही है क्योंकि जो तमाम पिछली सरकारें रही हैं वो भी इस ओर ध्यान नहीं उन्होंने दिया है, इसलिए अब इस तरह के जो हालात हैं वो बने हुए हैं और हालात खराब होते जा रहे हैं। 60 दिनों से ज्यादा आके लॉकडाउन के बाद यानी 1 जून से आज से गृह मंत्रालय ने देश में अनलॉक 1.0 की शुरुआत कर दी है और उससे संबंधित जरूरी गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में संपूर्ण लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा। इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। आकाश जिंदल जी, सवाल इस बात को लेकर है, आप कह रहे हैं कि आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाना बहुत जरूरी है। सर, हम भी आपकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन सर अब बाकी तमाम और देशों की अगर हम तुलना करें, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से भारत में लॉकडाउन हुआ था उसके साथ ही तमाम 7 देशों ने और लॉकडाउन किया था, लेकिन वहां पर लॉकडाउन के बाद जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है वो घट रही है। आखिर भारत में ऐसा क्या है कि जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या वो बढ़ती जा रही है, और क्या दूसरे देशों की अगर हम तुलना करें तो क्या हमारी नीति और नियत में कहीं ना कहीं कुछ खामी और कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? आई थिंक अ वेरी नाइस क्वेश्चन कि आवर ग्राउंड रियलिटीज डू नॉट मैच विद अदर कंट्रीज। So as of now, the reality is that's what I have been trying to say, Neha ji, right from the word go. We are having 35 to 40 crore people which are below poverty line. गरीबी रेखा से नीचे हैं। ये हमारी ground realities हैं। अभी जो डॉक्टर बोल रहे थे बहुत अच्छा बोले वो, he spoke very well. धारावी मुंबई का स्लम इतने बार हमने देखा है। अब ये सालों साल से तमाम सरकारों की negligence है कि धारावी जैसा स्लम डेवलप हो गया और वहां जो हमारे भाई हैं 3-3 फीट की गलियां हैं, कम्युनिटी टॉयलेट उन्हें शेयर करने पड़ते हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये सक्सेसिव गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है। तो ये ग्राउंड रियलिटी हमारी दूसरी कंट्री से डिफरेंट है। उसके अलावा हमारी पर कैपिटा इनकम आप देखिए कितनी डाउन है, हमारी पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी हाई है। एंड डॉक्टर वॉज वेरी राइट, पिछले 40-50 सालों से सक्सेसिव सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं किसी एक पोलिटिकल पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा, हैव बी टेकन केयर ऑफ दैट। तो वो जो चीजें हम देख रहे हैं इतने सालों से, जिस तरह की हमारी पॉपुलेशन है, जिस तरह के बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, उसको देखते हुए हमें कहीं ना कहीं फैसले करने पड़ेंगे। दूसरा मैं चीज और रखना चाहता हूं दोनों डॉक्टर साहब के सामने, एंड आई हैव अगेन आई विल रिट्रेट, आई हैव द हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर मेडिकल कम्युनिटी। ये लोग तो हमारे लिए देवता है, भगवान है आज की तारीख में, यही लोग हमें बचाते हैं कि आज की तारीख में हम अपने लोगों की इंटेलिजेंस के ऊपर क्यों बिलीव नहीं कर पाते। आज हमारा चाहे मजदूर भाई हो चाहे हमारा अनपढ़ साथी हो, सबको कोरोना के बारे में अवेयरनेस हो चुकी है। ठीक है, आज से 1 महीने पहले इंसिडेंट हुआ था, लिकर खुली थी और लिकर के चक्कर में लोग एक साथ एकजुट हो गए थे, या 2 महीने पहले मजदूर भाई एक साथ गांव जाना चाहते थे। आज हमारे अनपढ़ भाई को पता है कि उसे सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। आज जो हमारी बहनें घर में काम करने वाली आती हैं, काम करने वाली भाई या महरी जिन्हें कहते हैं वो हमारी बहनें, उनको भी पता है कि उन्हें मास्क लगाना है, उनको भी सैनिटाइजर का पता है, उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पता है। तो क्यों हम अपने लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं शो कर पा रहे? ये वो लोग हैं देश के नागरिक जिनको हमने प्रधानमंत्री इलेक्ट करने का राइट दिया हुआ है,
चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करने का राइट दिया हुआ है, तो क्यों हम इनकी इंटेलिजेंस के ऊपर डिसबिलीव कर रहे हैं? क्यों हम ये विश्वास नहीं कर रहे कि ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे, हैंड वॉश का प्रयोग करेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे? आई विल गिव यू एन एग्जांपल. नाउ आई हैव माय ऑफिस इन अ कमर्शियल बिल्डिंग इन कनॉट प्लेस. नाउ ईच एंड एवरीबडी वियर्स मास्क. ईच एंड एवरीबडी इंक्लूडिंग आर सफाई कर्मचारी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इंक्लूडिंग आर पीएन दे आर अवेयर ऑफ सैनिटाइजर. दे कीप सोशल डिस्टेंसिंग. दे कीप ऑन टेलिंग अदर्स दैट वी हैव टू ठीक है, ठीक है. मतलब ये कुल मिला के कह रहे हैं कि जागरूकता की यहाँ पर लोगों में कमी है और जागरूकता लाने की जरूरत है. डॉक्टर राहुल भार्गव, सवाल इस बात को लेकर है, क्या वाकई आप भी इनकी बातों से सहमत है, इत्तेफाक रखते हैं कि लोगों में जागरूकता की कमी है, या फिर ऐसा क्या है उन तमाम देशों में जो वहां पे तो कोरोना के संक्रमित जो मरीज हैं वो तो कम हो रहे हैं लेकिन भारत में तो इजाफा लगातार देखा जा रहा है? नेहा जी, तीन चीजें हैं. एक, ऑर्डर फॉलो करना. वहां के देश में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है ऑर्डर फॉलो करते हैं. आप वुहान का एग्जांपल ले लीजिए, 70 दिन तक लॉकडाउन रहा. कोरिया में कहा लोगों को कि आपको इस तरीके से जांच करानी है, वो जांच कराई गई. दूसरी सबसे ज्यादा चीज है अवेयरनेस और जागरूकता. उनकी स्थिति में वहां पे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं. अगर हम अपने देश की बात कर लें, केरला सबसे पहला स्टेट था, फिर गोवा था, जहां पे कोरोना को हम मात देने की एक पहल करी. और आज देखिए बात को बाकी रखता हूँ. जब ये बाकी आगे तो रहेंगे तो उन्हीं चौल में, उन्हीं छोटी जगहों में जहां पे 2 फीट से 3, 4, 6, 5 लोग, 6 लोग रहते हैं, वो वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखें होगी? वहां पे मास्क कहां से लाएंगे? हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश कहां से लाएंगे? तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बहुत सारी है नेहा जी. अब अगर नंबर घट रहे होते, बाकी सबके नंबर घट रहे, हमारे एक नंबर बढ़ रहे, बाकी सब लोगों के लॉकडाउन इतने सक्सेसफुल हुए, नंबर घट रहे थे. हमारे जब नंबर बढ़ रहे, हम री लॉकडाउन की जगह अनलॉकडाउन 1.0 कर रहे हैं. ये विचित्र नहीं है? अचंभित करने वाली चीज नहीं है? अचंभित करने वाली चीज है जाहिर तौर पे. और ऐसे में ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये नेशनल टास्क फोर्स जो गठित की गई थी वो भी कह रही है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से जो नीतियां बनाई गई है, जो गाइडलाइंस जारी की गई है, जिस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं, जाहिर तौर पर उस पर सवाल उठाया गया है नेशनल टास्क फोर्स की तरफ से. राय साहब इसे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सरकार एक के बाद एक के तमाम फैसले ले रही है. इससे पहले हमने 4 लॉकडाउन देखे, किस तरह के लॉकडाउन रहे, लोगों ने उसका पालन किस तरह से किया, हालांकि उस लॉकडाउन में भी छूट पर छूट दी गई. और अब जिस तरह से अनलॉक का फैसला ले लिया गया है, अनलॉक देश कर दिया गया है, ऐसे में क्या वाकई आपको लगता है कि ये जो फैसले लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से सही है? क्योंकि नेशनल टास्क फोर्स को तो ये नहीं लगता. जब नेशनल टास्क फोर्स को नहीं लगता तो मैं उसमें क्या जवाब देने दे गया. लेकिन मैं एक बात, आकाश जी ने बहुत अच्छी बात की, मैं इनकी बात से सहमत एक जगह हो रहा हूँ. लेकिन क्या हम डिसिप्लिन में रहने वाले लोग हैं? आज सुबह का टीवी के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि हमारे बीजेपी, हमारे भाई, मतलब कहना चाहिए मनोज तिवारी जी, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ और वहां पे सारी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं आपकी सोशल डिस्टेंसिंग की. और उसकी आज की टीवी के ऊपर देखी खबर, मैंने नहीं देखा है टीवी पर, मैंने क्लिप देखी एक बार. दूसरी बात, जब हमने बड़ी स्ट्रिक्टनेस कर रखी थी, हम कितना फॉलो करते थे. एज ए डॉक्टर मैं हर वक्त एक बात कहता था, भाइयों आपको कभी भी कोरोना नहीं मिलेगा, कोरोना नहीं आएगा तुम्हारे पास जब तक तुम उसको लेने के लिए बाहर नहीं जाओगे. अगर घर में रहोगे नहीं आएगा, लेकिन हम लोग कितने बार में रहे इसके बावजूद भी, चलो यार गाड़ी उठाओ चलो घूम के आते हैं. हम डिसिप्लिन में रहने वाले, हम मैं ये नहीं कहता एबीसीडी, हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हम डंडे के लोग हैं, हमें डंडे से सिखाया जाना चाहिए. अगर ये शुरू कर दिया होता तो हो सकता है हमारी और थोड़ी कम हो जाती. फिर भी मैं अपनी सरकार को जरूर, मैं उनकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने टाइम के ऊपर बहुत अच्छे मेजर्स लिए, बहुत कुछ एडवोकेट भी किया. लेकिन हम लोग सरकार ही सारे काम नहीं कर सकती. मैं एक क्रिटिक की बात करूंगा, हम जब तक खुद नहीं समझेंगे कि मैं अगर बीमार हूं तो कैसे दूसरे रहेंगे. अब रहा सवाल, इंडस्ट्री खोलते कोई दिक्कत नहीं है. आज की तारीख में अगर होटल, रेस्टोरेंट और धर्म की जगह को ना खोलिए, क्योंकि एक होटल के अंदर 4 आदमी एक टेबल पर बैठे हैं, वो जब खाना खाएंगे मास्क उतार के खाएंगे, क्या मास्क लगा के खाएंगे?
क्या जरूरत थी एक हफ्ता महीना भर होटल बंद रहने दीजिए, नाई की दुकान को बंद रहने दीजिए, शराब की दुकान को बंद रहने दीजिए, इंडस्ट्री चलाइए। हम मना नहीं कर रहे इंडस्ट्री के लिए, लाइए मजदूरों को इंडस्ट्री की चलाइए, क्योंकि इकोनॉमी भी जरूरी है, हमारी फार्मा कंपनियां भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दवाई के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग की जो पीपीई के लिए हमको हमें प्रोडक्शन चाहिए। लेकिन जहां पर चीजें गलत होती हैं और हम उसको डिसिप्लिन में नहीं ला पा रहे, हमें सख्ती दिखानी पड़ेगी आकाश जी, सख्ती दिखानी पड़ेगी। और हम लोग बिना सख्ती के मानने वाले नहीं है। मैं हम ही कहूंगा, मैं एबीसीडी का नाम नहीं लेता हूँ, ये हर चीज हम चार पांच जगह से हर जगह हमने देखा है। जहां सरकार ने ढील दी है, लोगों से पूछा भाई आप घर से क्यों निकलो, यार मैंने सोचा थोड़ा देखें सड़के खाली है, घूम के आते, पढ़े लिखे लोग। ठीक है ठीक है, आकाश जी से इस पे रिएक्शन लेते हैं। आकाश जी, जिस तरह से फैसला लिया गया है, क्या वाकई आपको लगता है कि अभी अभी हम इस फैसले लेने के लिए या फिर स्थिति में थे कि ये फैसला भी लिया जाए कि शॉपिंग मॉल्स खोल दिए जाएंगे? आपको पता है शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे तो वहाँ पर गैदरिंग होगी, लोग वहाँ पर जाएंगे शॉपिंग करेंगे, और हो सकता है एक ही शोरूम में कई लोग वहाँ पर मौजूद हो और एक संक्रमित हो तो वो तमाम और लोगों को भी संक्रमित करे, ये भी संभावना वहाँ पर रहती है। जिम की अगर हम बात करें या फिर पार्क की बात करें, रेस्टोरेंट की बात करें, जैसा कि अभी राय साहब कह रहे थे कि अगर रेस्टोरेंट में लोग बैठे हैं वहां पर खाना खा रहे हैं और वहां पर खाना खाते हुए मास्क उतारेंगे तो वहां पर भी संक्रमण होने का जो खतरा है वो और ज्यादा होता है, ज्यादा संक्रमण फैलेगा। तो क्या इस तरह के फैसलों पर रोक लगाते हुए हम और तमाम गतिविधियों को चलाने के ऊपर विचार नहीं कर सकते थे क्या? जी, मैं इसका जवाब दूंगा, मुझे दो मिनट आपको देने पड़ेंगे। पहली बात, मुझे खुशी है कि डॉक्टर साहब इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। अब फार्मा कंपनी पे आ जाऊं, फार्मा कंपनी कोई भी आइसोलेशन में नहीं चल सकती। फार्मा कंपनी को चाहिए ग्लास एम्प्यूल मैन्युफैक्चरर, कार्डबोर्ड मैन्युफैक्चरर, पेपर मैन्युफैक्चरर, प्रिंटर, ट्रांसपोर्टर। तो इफ एन अदर इंडस्ट्रीज आर वर्किंग, देन ओनली अ फार्मा मैन्युफैक्चरर कैन ऑपरेट। फार्मा मैन्युफैक्चरर कांट ऑपरेट इन आइसोलेशन। आई एम टोटली विद डॉक्टर कि फार्मा मैन्युफैक्चरर चाहिए, इंडस्ट्री खुलनी चाहिए। अब रेस्टोरेंट की बात करें, रेस्टोरेंट कई जगह फॉरेन कंट्रीज में खोले गए हैं जहां ग्लासेस और प्लास्टिक लगा दिए गए हैं हर व्यक्ति के सामने, यानी एक की ब्रेथ दूसरे के सामने नहीं जा रही। तो अगर उस तरीके के प्रोविजन हम कर लेते हैं तो क्या उसमें बुराई है? सिमिलरली अगर हम शॉपिंग मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करके चलते हैं तो उसमें क्या बुराई है? साथ ही साथ दूसरी चीज और, अब लिकर शॉप है, मैं ये नहीं कहता कि लिकर में 100 लोग इकट्ठे हों, 100 लोग एक दूसरे से चिपक रहे हों, वो डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत है। लेकिन अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए लिकर शॉप के सामने लोग आते हैं, देखिए शराब की बुराइयों के ऊपर तो वॉल्यूम देखे जा सकते हैं, लेकिन आज की कड़वी सच्चाई है कि स्टेट गवर्नमेंट को इतना टैक्स मिलता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट का सारा टैक्स ड्राई अप हो गया तो आज तो उनके पास सैलरी देने को या बेसिक असेंशियल खर्चे चलाने को पैसा नहीं है। डॉक्टर साहब से मैं पूरी विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए फोल्डेड हैंड ये चीज इन दोनों डॉक्टर साहब के सामने रखना चाहता हूं। पैसे का काम तो पैसे से ही होगा, अगर सारी स्टेट गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फंड्स कम हो गए तो किस तरीके से वेलफेयर चलेगा, किस तरीके से हम भोजन अरेंज कर पाएंगे? तो कहीं ना कहीं अब बैलेंस नीड्स टू बी मेंटेन्ड। हमें स्ट्रेटजी ऐसी रखनी होगी कि कहीं ना कहीं कोरोना को भी हरा सके और साथ ही साथ इकोनॉमी को भी कुछ हद तक चला सके। इकोनॉमी को बहुत देर तक बंद करने की पोजीशन में हम नहीं है। आज जब अगर टैक्सेस नहीं आएंगे, डॉक्टर साहब तो हमारे बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं एंड आई हैव वेरी हाई रिस्पेक्ट फॉर देम। माय ओन फादर इज अ मेडिकल डॉक्टर, आई हैव वेरी हाई रिस्पेक्ट फॉर डॉक्टर, बहुत बड़े लिखे लोग हैं। जब पैसा नहीं होगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो किस तरीके से खर्चे चलेंगे, किस तरीके से हाइजीन मेंटेन होंगे, किस तरीके से हमारे हॉस्पिटल मेंटेन होंगे? तो कहीं ना कहीं हमें एक बैलेंस और ब्रॉड अप्रोच रखनी होगी। हालांकि वो उसके कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन लोगों को हमें अवेयरनेस फैलानी होगी, लोगों को हमें मजबूर करना होगा कि सारी चीजों का पालन करें। सिर्फ एक चीज को देखना और बाकी चीजों को इग्नोर करके देखना, उस तरीके से आज से 15 दिन बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फंड ही नहीं रहे तो कैसे हमारा हाइजीन मेंटेन होगा, कैसे हमारी हेल्थ सर्विसेज चलेंगी, कैसे हमारी ट्रांसपोर्टेशन चलेगी? वो एंगल भी तो हमें देखना पड़ेगा ना, क्या उस एंगल को इग्नोर करते हैं हम चल सकते हैं? जब भी कोई चीज देखनी होती है सवाल इस बात को लेकर भी है कि ठीक है बैलेंस के साथ तो चलना होगा, मान लेते हैं आपकी बात को, लेकिन सवाल ये भी है कि अर्थव्यवस्था एकदम से तो पटरी पर आ नहीं जाएगी, सब कुछ खोल दिया लेकिन बावजूद इसके बहुत सारी चुनौतियां अब सरकार के सामने हैं अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, और ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कतें कहाँ आ सकती है? देखिए
देखिए चुनौतियां ही चुनौतियां इस बात में, जो दोनों डॉक्टर्स ने कहा, मेरे सीनियर्स हैं, उनकी बात तो आपका, आपकी बात नहीं सही है। चैलेंजेस तो बहुत है आज, चैलेंजेस इतने कंट्री के सामने उतने शायद कभी भी नहीं थे, बट हमें चैलेंजेस एक्सेप्ट करने होंगे, हमें चैलेंज एक्सेप्ट करके चलना होगा। इकोनॉमी को खोलना उतना आसान नहीं है। आज कितने व्हीकल्स मैन्युफैक्चर हो पड़े हैं, लोगों के पास बायर नहीं है। क्यों बायर नहीं है? लोगों की सैलरीज नहीं आई है 3 महीने से, लोगों के बिजनेस लॉसेस में है, तो कैसे वो व्हीकल परचेज करेंगे? अभी रेस्टोरेंट की बात हो रही थी, क्या आज लोगों के पास सैलरीज आ रही है या बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा है कि वो अपनी फैमिली को ले जाएं और 2000 रुपए का खाना खिलाएं? क्या लोगों के पास नई गाड़ी परचेज करने का उनका मन है, उनका एपिटाइट है या फंड्स है? तो इकोनॉमी को चलाने में भी बहुत चैलेंजेस आएंगे। अभी ड्रॉइंग कस्टमर बैक टू द मार्केट वुडंट बी दैट इजी अ थिंग, तो वो बहुत मुश्किल है। तो अर्थव्यवस्था को रिवाइव करना भी एक इजी टास्क नहीं है, बहुत एक अपहिल टास्क है। दूसरी तरफ जैसे हमारे डॉक्टर्स ने बिल्कुल सही कहा है, आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर देम, कि कोरोना अगर फैल गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, और मैं डॉक्टर्स के बिल्कुल साथ हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल है ह्यूमन कैपिटल। ना हमारी कार की इतनी वैल्यू है, ना फ्लैट की, ना शेयर्स की, जितनी जान की। तो सबसे पहले हमें ह्यूमन कैपिटल को बचाना है, वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल एसेट है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं हमें ह्यूमन कैपिटल के साथ साथ बाकी एसेट्स को भी बचा के चलना है। ह्यूमन कैपिटल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं बैलेंस्ड अप्रोच मेरे हिसाब से बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, आसान है क्या? आसान नहीं है। ठीक है डॉक्टर, ठीक है सर, ठीक है डॉक्टर राहुल का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राहुल, जिस तरह से आकाश जिंदल को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि बैलेंस अप्रोच करना बहुत जरूरी है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इनकी बातों से? क्या वाकई आपको लगता है कि ठीक है, एक तरफ स्वास्थ्य सुविधाएं देना इस सरकार के सामने एक चुनौती है, तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, दोनों को बैलेंस करके ही सरकार को आगे चलना होगा? जी बिल्कुल सही है आकाश जी की बात से, मैं बिल्कुल वाकिफ रखता हूँ कि दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। चलिए 70-50 दिन के लॉकडाउन के बाद तो सारे ग्रामीण मजदूरों को समझ थी लॉकडाउन की और सोशल डिस्टेंसिंग की, तो अभी नंबर क्यों बढ़ रहे हैं? सारे लोगों को 50 दिन में सारे लोग अज्यूम करके चलिए टू ऑप्टिमिस्टिक है। 55 दिन के लॉकडाउन के बाद सबको पता चल गया कि मास्क कैसे पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखनी है, तो आपके अब क्यों केसेस बढ़ रहे हैं? आपको केसेस नीचे आने चाहिए थे। तीसरी चीज, अगर आप रेस्टोरेंट खोल देते हो क्या आप? लेकिन राहुल जी अगर लॉकडाउन की भी हम बात करें तो लॉकडाउन में भी तो सर केसेस आ रहे थे, ऐसा तो नहीं था कि लॉकडाउन में केसेस नहीं आ रहे थे, लॉकडाउन में भी लगातार केसेस आ रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि एकमात्र विकल्प सिर्फ लॉकडाउन ही है कि आप कोरोना को हरा सकते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी जो चीज है वो लॉकडाउन ही है और सोशल डिस्टेंसिंग है, जो हमारे को नंबर को कम करके रखेगा। लॉकडाउन कोरोना को खत्म नहीं करेगा, वो हमारी सुविधाओं को इतना दे देगा कि अगर कोई सिक आदमी होता है तो उसको बेड मिल जाए और वेंटिलेटर मिल जाए। ये नंबर तो बढ़ेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये नंबर को मत देखिए, आपको देखना है कि कितने लोग सबसे ज्यादा बीमार हैं और कितने लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। मैं बार बार लोगों को ये बता रहा हूँ, नंबर 2 लाख हो, 3 लाख हो, 4 लाख हो, बट उसके प्रपोर्शन में कितने लोगों को सीवियर बीमारी और वेंटिलेटर की जरूरत है, क्योंकि बेड लिमिटेड है देश में। मान लीजिए 1 लाख बेड है और 10 लाख का 2% लोग गंभीरता से ठीक होते हैं, तो 2 लाख बेड चाहिए 10 लाख में, आपके पास बेड कहाँ से आएंगे? तो लॉकडाउन क्या करता है, वो प्रक्रिया को स्लो कर देता है। ये तो सवाल ये भी है डॉक्टर, ठीक है डॉक्टर राय, सवाल इस बात को भी लेकर है कि लॉकडाउन आपने किया, सरकार ने लॉकडाउन किया, एक मुकम्मल वक्त मिला सरकार को अपनी तैयारियों को बेहतर करने का, तो 65 दिन का जो एक वक्त मिला है, क्या लगता है आपको कि अगर हम स्वास्थ्य सुविधाओं के हिसाब से देखें, स्वास्थ्य सेवाओं के हिसाब से देखें, अस्पतालों के हिसाब से देखें, तो इस 65 दिन के अंदर जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी उनको और ज्यादा बेहतर किया गया है, या फिर हालात जो पहले थे वही जस के तस बने हुए हैं? नहीं, बेहतर तो किया गया है, मैं इससे मना नहीं कर सकता, किसी भी हालत से बेहतर किया गया है और हम पहले से ज्यादा प्रिपेयर हो गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि लॉकडाउन के अंदर अगर हम अपने प्रवासी मजदूरों को सिस्टम से अपने उनके घरों में भेज देते, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्क्रीनिंग करने के बाद, ये जो एकदम बूम आया है मरीजों का, जो एकदम ब्लास्ट हुआ है, इसी वजह से, उसके अलावा टेस्टिंग जो हमारी एज ए डॉक्टर है, हम तो जानते हैं ना, जब हमारी टेस्टिंग करेंगे तभी हम पता लगेगा। अब ये मजदूर यहाँ से कितने एसिम्प्टोमेटिक भी थे, लेकिन देवर सफरिंग फ्रॉम द कोरोना, बट देवर एसिम्प्टोमेटिक,
फिल्टर देखा बिल्कुल ठीक हो। तो ये वाली चीज को हमको इस प्रकार से सिस्टम से अगर हम बैलेंस करके चलते, 65 डेज का हमको टाइम मिला था मजदूरों को सेटल करने का और उसके बाद चलाने का, तो हो सकता है कि हम इसको रोक लेते। और अभी भी मैं ये नहीं कहता कि हम हुआ है, लेकिन हाँ आज की तारीख में इस वक्त जब 9000 केस रोज हो गए, हमको दोबारा सख्ती की जरूरत है। अगर इसको यहाँ पे नहीं रोकेंगे तो ऑलरेडी कम्युनिटी इन्फेक्शन चालू हो गया है और कम्युनिटी इन्फेक्शन और बढ़ेगा। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमें वो दिन ना देखना पड़े कि लोग बाहर अस्पतालों के बाहर खड़े हैं, कोई बेड भी नहीं है, तो आज कंडीशन हो गई है। अब देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल को आपने लिया, हमने कहा हम एज ए डॉक्टर हम आपकी सेवाएं देंगे, लेकिन मैं कैसे एक कोरोना का मरीज नेचुरल मतलब नॉन कोरोना के साथ कैसे रख दूंगा? मेरी एडवाइजरी जो मुझे दी गई है मैं उसकी कैसे पालन नहीं करूंगा? ठीक है, तो हमारी सबसे बड़ी समस्या डॉक्टरों के लिए भी है। नहीं, समस्या तो सर सभी के लिए है, समस्या ये जो है वो बढ़ती जा रही है और यही चिंता का विषय है जिसपे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आकाश जिंदल जी, सवाल इस बात को लेकर है कि IPHA की बात की जाए या IAPASM की बात की जाए या फिर IAE की बात की जाए, तो इन लोगों का कहना है, इन तमाम चीजों लोगों का कहना है कि ऐसे में जो जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये सरकार की तरफ से जो गलत फैसले लिए हैं उसकी वजह से बढ़ती जा रही है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट के तरफ से उनकी राय मशवरा के साथ ही ये फैसले ले लिए जाते हैं कि आगे क्या करना है, जबकि डॉक्टर्स की जो सलाह है वो नहीं ली जाती। और ये भी एक प्रमुख वजह है कि अब जो फैसले लिए जा रहे हैं उसके अंदर संतुलन नहीं है। क्या वाकई आपको लगता है कि इसमें डॉक्टर्स की भी राय लेना उतना ही महत्वपूर्ण है? समझना पड़ेगा कि हमें संतुलन किस तरह से बनाना है। बताते हैं तो डॉक्टर्स का तो हमारी सोसाइटी में, हमारी नेशन में बहुत इंपॉर्टेंस है। उनकी राय लेना, उनकी सलाह लेना, देखो सीधी सी बात है, आज हम बीमार होते हैं तो फटाफट डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तब तो डॉक्टर के बिना किसी की राय नहीं लेते हम। लेकिन अब बीमारी से बचाने के लिए अगर कोई डॉक्टर राय दे रहे हैं तो डेफिनेटली वी शुड टेक देयर एडवाइस। बीमारी पे तो फटाफट हमें डॉक्टर की याद आती है, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, भागे भागे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ऐसे टाइम में डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन अगेन बात वही आ रही है कि पिछले 2 महीनों से सरकार को भी समझे, सरकार के ऊपर भी कम प्रेशर नहीं है। दिस इज समथिंग विच वॉज अनप्रेसिडेंटेड, विच वॉज अनएक्सपेक्टेड। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल .in की तरफ से तमाम टीवी चैनल्स, मैं तो देश के ज्यादातर टीवी चैनल से मेरे होता हूँ, बात यही रखी जा रही है कि सरकार भी जो है उसके लिए ये सिचुएशन अनप्रेसिडेंटेड थी, अनएक्सपेक्टेड थी, पहली बार हुई है, तो सरकार को भी कई तरह के फैसले लेने पड़ रहे हैं, चीजों को समझना पड़ रहा है, उस हिसाब से सरकार चल रही है। आज जो है इकोनॉमी को हम पूरा रोक देते हैं तो कोई भी सर्विस हमारी नहीं चल पाएगी। डॉक्टर्स की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, इनको सैल्यूट करता हूँ, इन्हीं लोगों की वजह से हम बचे हुए हैं, बट साथ ही साथ हाथ जोड़ के इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर टैक्स कलेक्शन बिल्कुल जीरो आ जाती है तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी गवर्नमेंट, हमारे जरूरी खर्चे कैसे चलेंगे? वो नहीं चल पाएंगे, उसके लिए फंड्स आर रिक्वायर्ड। और फंड तभी आएंगे, टैक्सेस तभी आएंगे जब इकोनॉमी को हम कुछ खोलेंगे। इकोनॉमी को बिना खोले आगे बढ़ना हमारे लिए जरूरी नहीं है। अगेन मैं वही चीज रिपीट करता हूँ, रिइटरेट करता हूँ, पैसे का काम तो पैसे से ही होना है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की एडवाइस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर्स की एडवाइस ली जाए, इनसे समझा जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ऑफिस पे सिस्टम कैसे बना सकते हैं, लोगों को अवेयर कैसे कर सकते हैं, तो इनकी एडवाइस लेके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, हाइजीन को मेंटेन करते हुए इकोनॉमी को स्टेप वाइज चला जाए, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, जाहिर तौर पे एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि सरकार के ऊपर भी दबाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस हालात और जिस स्थितियों से फिलहाल देश गुजर रहा है सरकार के ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव है। लेकिन डॉक्टर राहुल, सवाल इस बात को लेकर भी है कि कोरोना पेशेंट्स की अगर हम बात करें, सर ऐसे भी कई केसेस आए हैं जो सिम्टोमेटिक हैं, ऐसे भी केसेस आए हैं जिनको कुछ भी दिक्कत नहीं है फिर भी वो कोरोना पॉजिटिव है, ऐसे भी कई केसेस आए हैं जिनको हल्की बहुत दिक्कत है वो कोरोना पेशेंट है, और ऐसे भी कई केसेस आए हैं जो कि सीरियस कंडीशन में है वो भी कोरोना पॉजिटिव है। सवाल इस बात को लेकर है कि ऐसे कैटेगराइज क्या करना चाहिए मरीजों को ताकि उनको सभी को जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो मिल सके, क्या किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ताकि बेहतर सुविधाएं लोगों तक पहुंच पा सके?
नेहा जी बहुत ही अच्छा सवाल है, हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे 85% लोग बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे 12% लोग सिक हैं जिनको बेड चाहिए, तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि जब हम लॉकडाउन खोलेंगे तो 12% 1 करोड़ का कितना होता है और किस किस एरिया में हमें बेड चाहिए होंगे। अगर 85% + 12% हो गया 97%, 3% लोगों को अगर वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 करोड़ का 3% कितना है। तो ये हेल्थ पॉलिसी का फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपको बताएगा कि अगले 6 महीने उसको बनाए, क्योंकि हम नंबर से नहीं डर रहे नया जी, हम सिर्फ इस बात से डर रहे हैं कि हमारी मोर्टेलिटी या तो जीरो हो या मिनिमम हो। अगर उसको कम पैसे में अच्छी से अच्छी सुविधा मिल के कम पैसे में हम जान बचा पाए, इतना ही चाहिए, तो नंबर थोड़े दिन में बेमानी हो जाएंगे। नंबरों को मत देखिए, नंबर को कोई नहीं देखेगा, देखना कितने हैं, कितने लोगों की रिस्क है और कितने लोगों की मृत्यु हो सकती है, नंबरों को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है राय साहब, सवाल ये भी है क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने कदम उठाया है कि COVID-19 के लिए कुछ इस तरह के इंतजाम किए हैं कि जो कोरोना के सामान्य मरीज हैं उनको Level 1 में रखा गया है, Level 2 में रखा जाएगा जिनको थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत है, और जबकि जो अति गंभीर है, ज्यादा गंभीर स्थिति वाले जो कोरोना पेशेंट हैं उनको Level 3 में रखा गया है, तो कैटेगराइज किया गया है। और ऐसे में जिन लोगों को अस्पताल में जाने की भर्ती की जरूरत है उनको भर्ती कराया जा रहा है, नहीं तो ऐसे में कुछ ऐसे भी इंतजाम किए गए हैं जहां पर जिनको कम दिक्कतें हैं उनको अलग से बेड दे दिए जाते हैं। तो इस तरह से अगर कैटेगराइज किया जाएगा तमाम और भी राज्यों में, तो क्या लगता है कि काफी हद तक जो लोगों को इलाज मिल पाएगा और हम कोरोना को कंट्रोल करने में कोशिश में आगे बढ़ पाएंगे? आपने बहुत अच्छी बात उठाई है। इस वक्त मैं ये भी साथ में कहना चाहूंगा कि जो हमारा एक ट्रीटमेंट देने का प्रोटोकॉल है उसको अगर हम फॉलो करते तो हर मरीज को भर्ती होने की जरूरत नहीं है जी। लेकिन हमने मीडिया के थ्रू, आपके थ्रू भी और हर मीडिया ने, डॉक्टरों ने, समाज ने, पेपर्स ने इतनी दहशत कर दी है, समाज में लोगों के अंदर इतनी दहशत कर दी है कि जरा सा घर पे नहीं रहना। आज हमारे पास मरीज आता है कि मैं उस कॉन्टेक्ट में रहा हूं, उस आदमी से मिला हूं, कोरोना पॉजिटिव है, प्रिंसिपल कहता है अच्छा कॉन्टेक्ट में हो, आप अपने कमरे में अलग हो जाओ, अगर आपके घर में अलग कमरा है तो 5 दिन के बाद आपको दोबारा एविलेट करेंगे, 10 दिन के बाद हो सकता है उसको कुछ भी नहीं होगा अगर उसके अंदर अगर इसी प्रकार से सेपरेट करें। लेकिन हमारे साथ एक और समस्या है कि हमारे बड़े शहरों के अंदर खासतौर पर जो 1-2 बेडरूम फ्लैट में रह रहे हैं वो अपने सेपरेट नहीं हो सकते। उसका भी हमने एज ए डॉक्टर कहा है कि भाई अगर आपका कमरा 12x10 का है, 120 स्क्वायर फीट एरिया हो जाता है, आप अलग बेड को अलग कर लीजिए, बीच में वो डाल दीजिए, सेपरेट कीजिए। हर आदमी का अस्पताल जाएगा बहुत मुश्किल। अभी जो डॉक्टर साहब कह रहे थे 3% को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, मैं कहता हूँ 3% तो बहुत ज्यादा है कि जो अभी डेटा आ रहा है उसके हिसाब से वेंटिलेटर की इतनी नहीं पड़ रही थी। लेकिन जब वेंटिलेटर हमारे पास है नहीं, सबसे बड़ी समस्या ये भी है क्योंकि अगर वाकई में अगर इतने केस आ गए और उस वक्त हमें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी तो कहां से लाएंगे? बिल्कुल, ये वाकई बड़ी समस्याएं हैं और इन समस्याओं से निपटना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर तौर पे कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, कोरोना लगातार अपने पांव पसारता जा रहा है, लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, लेकिन इस बीच सरकार का ये फैसला कि अनलॉक पूरा देश, लेकिन क्या अर्थव्यवस्था के हिसाब से ये बहुत जरूरी था, जिस पे आज हमने चर्चा भी की और ये भी जाना कि कितना महत्वपूर्ण था अनलॉक करना देश को और लोगों का खाना, लोगों का कमाना कितना महत्वपूर्ण था। लेकिन दूसरी तरफ स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बेहतर करना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है और बैलेंस के साथ अर्थव्यवस्था को भी आगे ले जाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसे किस तरह से निपटा जाएगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही, नमस्कार।